वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माई फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी टेक्निक्स में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में, यानी निवास प्रमाण पत्र। दोस्तों आप सभी को पता है निवास प्रमाण पत्र जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तब भी काम आता है, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तब भी काम आता है, और बहुत सारी चीज़ों में डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता है। तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको आखिर ये निवास प्रमाण पत्र होता क्या है। दोस्तों एक ये एक डॉक्यूमेंट्स होता है, गवर्नमेंट से ऑथोराइज डॉक्यूमेंट्स होता है, जो ये प्रूफ करता है कि हम कहाँ के निवासी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, जो आपका सही एड्रेस प्रूफ करता है। दोस्तों निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए पहले जो ऑप्शन था हमारे पास वो तहसील था, हम सभी को तहसील जाना पड़ता था निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए। लेकिन अब जगह जगह जनसेवा केंद्र खुल चुके हैं और वहां पर हम निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूं वो तरीका ऐसा तरीका है, बहुत ही आसानी के साथ आप अपने घर बैठे निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं, वो भी मात्र 10 रुपए की फीस देकर। तो दोस्तों ये तरीका मैं आपको बताऊंगा, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितना टाइम इसको लगेगा, और इस कौन कौन से अधिकारी होते हैं जो इसको वेरीफाई करते हैं, सारी चीजें आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को अंत तक का देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये रेड सर्कल में जो बेल आइकन का बटन आपको दिख रहा है इसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं लेकर चलता हूं आपको ब्राउजर पर। ब्राउजर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ ई डिस्ट्रिक्ट। ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट जो होती है इससे सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हम बना चाहें, कोई भी प्रमाण पत्र, वो सभी इससे बनते हैं दोस्तों। तो ई डिस्ट्रिक्ट पर हम ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए ये एडमिन लॉगिन, अधिकारी लॉगिन, सेवा केंद्र लॉगिन, और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है सिटीज़न लॉगिन का। तो दोस्तों सिटीज़न लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे, जिसमें कि हमें आईडी बनानी होगी, और उस आईडी को बनाने के बाद उस आईडी से लॉगिन करके और हम डॉक्यूमेंट्स को डाल सकते हैं। तो चलिए इस आईडी को हम सिटीज़न लॉगिन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सर्विसेज, जो भी सर्विसेज हैं इसमें आप इससे चेक कर सकते हैं क्या क्या सर्विसेज हैं, देखिए, और उसका चार्ज कितना कितना लग रहा है, ये सब यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया गया है फ्रेंड्स। और दूसरा ऑप्शन है इसमें रजिस्टर, यहाँ पर आपको रजिस्टर करना होगा अगर आप कोई भी प्रमाण पत्र अप्लाई करना चाहते हैं तो। ये गाइडलाइन है, इसमें सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मेरे वीडियो को ठीक से देखेंगे तो आपको ये गाइडलाइन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले हम आपको रजिस्ट्रेशन पर लेकर चलते हैं। कोई भी नया पर्सन अगर इसमें रजिस्ट्रेशन करता है तभी वो अप्लाई कर सकता है, विदाउट रजिस्ट्रेशन वो अप्लाई नहीं कर सकता। ये देखिए, ये मेरा आईडी पहले से इसमें डला हुआ है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, मैं आपको रजिस्टर करके दिखाऊंगा किस तरह से रजिस्टर किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ पर लॉगिन आईडी डाल लीजिए। लॉगिन आईडी का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी ऐसा वर्ड कोड वर्ड डालो जिससे आप लॉगिन कर सको, जिससे आप एज अ लॉगिन आईडी यूज़ कर सको। जैसे मेरा नाम मशकूर अली है तो MAISHH8219, ये मैं 82, ठीक है, MAISHH82, ये मैं क्या कहते हैं नाम इसका रख लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको कॉपी करके, यानी मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप इसको साइड में रख लीजिएगा जिससे कि आपको ये याद रहे। आप एक पेज पे लिख लीजिएगा आईडी हमने ये डाल दी, इसको पहले चेक कर लेते हैं ये उपलब्ध है या नहीं। लॉगिन आईडी उपलब्ध है, ठीक है फ्रेंड्स, ये उपलब्ध है। तो चलिए अब हम अपना नाम मैं एंटर करता हूँ, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दी मैंने, और ये 1 अक्टूबर फ्रेंड्स, ठीक है, 1 अक्टूबर 1993। तो अब उसके बाद यहाँ जेंडर चुनना है, यहाँ एड्रेस डाल देना है अपना विद पिन कोड, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर अपना ज़िला चुन लेना है, देखिए यूपी में जो भी ज़िला है आपका, सारे ज़िले इसमें दिए हुए हैं। मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ तो अलीगढ़ इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर एंटर कर लीजिए। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको, देखिए मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेता हूँ, और यहाँ मेल आईडी, अब यहाँ पर कैप्चा कोड दिया हुआ है, सेंसिटिव होता है, ठीक से देखकर डालिएगा। सुरक्षित करें पर क्लिक करते हैं, सुरक्षा कोड गलत है, इसमें कुछ मिस्टेक है, ये जो हमारा कैप्चा कोड था ये गलत हो गया, इसको दोबारा से एंटर करते हैं।
देखिए, पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया है, ओटीपी आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस पर एक ओटीपी आया है मेरे मोबाइल पर, ठीक है। अब हम लॉगिन करेंगे तो उसी के ज़रिए हम इसको लॉगिन करेंगे दोस्तों। चलिए हम लॉगिन पर क्लिक, यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैं अपनी आईडी एंटर कर लेता हूँ और यहाँ पर वो ओटीपी जो मेरे मोबाइल पर आया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ओटीपी वेरीफाई हो गया। यहाँ पर ओटीपी दोबारा से एंटर कर देते हैं। यहाँ नया पासवर्ड डालते हैं आप कोई भी, जो आप उसको आगे यूज़ कर पाएंगे। पासवर्ड बदलने पर क्लिक कीजिए। यहाँ देखिए पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। अब आप इसको लॉगिन कर सकते हैं अपना आईडी और पासवर्ड एंटर करके। लॉगिन करने के लिए आप सबको काट दीजिए, सबको काट दीजिए। दोबारा से ई डिस्ट्रिक्ट पेज पर आ जाते हैं हम और यहाँ से सिटीज़न लॉगिन करते हैं और यहाँ से ये लॉगिन वाला पेज हमारा ओपन हो जाता है। ये देखिए सिटीज़न, यहाँ पर हम अपनी आईडी डालते हैं जो अभी हमने बनाई थी, ये आईडी थी। अब मैं पासवर्ड एंटर करता हूँ। पासवर्ड एंटर करने के बाद कैप्चा कोड हम एंटर कर देते हैं। बहुत ही ठीक से भरना है क्योंकि ये कभी कभी समझ में नहीं आता क्या लिखा हुआ है। ये कैप्चा कोड डाल दिया। ये देखिए हम लॉगिन हो चुके हैं फ्रेंड्स। लॉगिन होने के बाद यहाँ आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। निर्देश, आवेदन भरें, आवेदन प्रिंट करें, सेवा शुल्क भुगतान, आवेदन की सूची, निस्तारित आवेदन, रसीद प्रतिलिपि, ये सब बहुत सारे फंक्शन आपको दिए हुए हैं। इन्हीं में एक ऑप्शन दिया हुआ है आवेदन भरें, इस पर आप क्लिक करिए और आपको जाति प्रमाण पत्र, सॉरी आपको निवास प्रमाण पत्र डालना है तो निवास प्रमाण पत्र को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए निवास प्रमाण पत्र, इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों, आप कुछ भी इसको डाल सकते हैं लेकिन उसकी जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं तब ये प्रमाण पत्र बन के आते हैं। तो हम निवास प्रमाण पत्र बनाने जा रहे हैं तो निवास पर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए निवास प्रमाण पत्र आवेदन के लिए क्लिक करें। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो एक फॉर्म खुल जाएगा जो आपको भरना होगा। दोस्तों जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं वो ग्रामीण पर क्लिक करें और जो नगरीय क्षेत्र के यानी शहरी क्षेत्र के हैं वो नगरीय पर क्लिक करें। यहाँ पर देखिए पूरा नाम, श्री श्रीमती कुमारी, लड़की हो तो कुमारी, लेडीज़ हो तो श्रीमती और अगर लड़का या आदमी हो तो श्री। और यहाँ पर नाम, यहाँ पर पिता या पति का नाम, यहाँ पर माता का नाम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर जन्म का स्थान, हॉस्पिटल में हुई थी या घर पर हुई थी, घर पर हुई थी होम लिख दिया, ठीक है। यहाँ मकान नंबर, जो भी मकान नंबर हो आपका, और यहाँ पर पूरा एड्रेस, जो एड्रेस हो। उसके बाद अलीगढ़ तो ये चुना हुआ है ही, जो भी आप सिटी सेलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद तहसील चुन लें आप, तहसील कौन सी है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर दें आप, ठीक है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप यहाँ पर प्रमाण पत्र बनवाने की वजह बता दीजिए, स्कॉलरशिप के लिए या फिर किसी और वजह से, ठीक है। अब ये निवास की अवधि, जहाँ पर आप निवास प्रमाण पत्र बनाए वहाँ जन्म से रह रहे हैं या वर्ष या तो कुछ वर्षों से, अगर कुछ वर्षों से रह रहे हैं तो यहाँ पर डाल दीजिए 4, 6 जो जितने वर्षों से रह रहे हैं, अगर जन्म से रह रहे हैं तो जन्म से डाल दीजिए। और यहाँ पर प्रमाण पत्र इससे पहले क्या जारी हुआ है, नहीं। और ये आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है, हाँ। उसके बाद आधार नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे दोस्तों। आधार नंबर डालने के बाद ये पूरा फॉर्म आपका फिल हो जाएगा, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र है, इसमें कुछ सेलेक्ट नहीं करना जाति वाती या इनकम कुछ नहीं, ये सिर्फ एड्रेस पर डिपेंड करता है, एड्रेस बिल्कुल सही होना चाहिए। अब बात आती है कि इसमें प्रमाण पत्र में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। दोस्तों इसमें सिंपल है, सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं आपको, एक फ़ोटो, सुप्रमाणित घोषणा पत्र तो 100% लगेगा ही, ठीक है। इसमें खुद साइन करने होते हैं। सुप्रमाणित घोषणा पत्र के नाम से आप गूगल से जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ फाइल में, और प्रिंट लेकर उसको भर के आप स्कैन करके लगा सकते हैं। स्कैन करने की वो बता दूँ 20 से 30 KB के बीच में फ़ोटो रहता है और 100 KB से नीचे सुप्रमाणित घोषणा पत्र और आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी रहेगी। आधार कार्ड की स्कैन कॉपी आपको अन्य में लगानी होगी, अन्य में सेलेक्ट करिए, यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आधार कार्ड लिख कर यहाँ चूज़ करके फाइल जो भी है आप इसमें अपलोड कर दीजिए। जब तीनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाए तो यहाँ दर्ज करने पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको फ्री है पेमेंट का ऑप्शन मांगेगा, 10 रुपये फीस कटेगी, 10 से 15 दिन में या 8 दिन में ये बनकर आ जाएगा, क्योंकि इसमें 4 स्टेप होते हैं इसलिए टाइम लगता है। पहला यहाँ से तहसीलदार को जाएगा, तहसीलदार से फिर लेखपाल को जाएगा, लेखपाल जाँच करके वापस तहसीलदार को भेजेगा, तहसीलदार वापस आपके आईडी पर भेज देगा और आप उसका प्रिंटआउट निकाल कर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बस इस पर जनसेवा केंद्र की या लोकवाणी केंद्र की मोहर नहीं होगी, लेकिन निवास प्रमाण पत्र आपका पक्का होगा और ये काम करेगा दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही ईजी प्रोसेस है, बस ये समझने की बात है और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने उसकी बात है, बाकी बहुत ही ईजी प्रोसेस है।
तो दोस्तों ये था हमारा पूरा प्रोसेस कि किस तरह से आप घर बैठे आसानी के साथ निवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अगर इस पूरे प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, तो कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।